गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न स्टार्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन. पे अटेंशन हियर योर इंग्लिश टीचर श्वेता तिवारी. सो स्टूडेंट, टेक योर इंग्लिश रीडर बुक एंड ओपन चैप्टर 3. ओके, चैप्टर नेम इज जोनाथन लर्न्स टू फ्लाई. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन, आई विल टीच यू, यू विल स्टडी, यू विल रीड अबाउट द रेस्ट lines, rest paragraph of this chapter. So open page number 21. Okay, good. Okay, so I don't mind being worn and feathers, mom. yani ki जोनाथन जो है अपनी वो अपनी मॉम से, अपनी मम्मी से कहता है, अपनी मदर से कहता है, आई डोंट माइंड बीइंग बोन एंड फेदर. सम पंख हैं और हड्डी हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट आई कैन डू इन द ईयर एंड वॉट आई कांट, दैट्स ऑल. ओके, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ हवा में और क्या नहीं कर सकता हूँ, दैट्स ऑल. आई जस्ट वॉन्ट टू नो. ओके, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ. See here, Jonathan said his father. यानी कि उसके पिता ने कहा, Jonathan इधर देखो, not unkindly. Winter is not far away. यानी कि सर्दियाँ दूर नहीं है. Votes will be few. वोट जो है वो कम हो जाएंगे. And surface fish will be swimming deep. और जो fish है वो जो है deep में चली जाएंगी, गहराई में चली जाएंगी. इट मीन्स जो है वो फूड कलेक्ट करके रखते थे कि जब बोट आना, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, बोट आना कम हो जाएंगे और फिश जो है वो डीप में चली जाएंगी, क्या खाओगे. ओके, तो वो लोग प्रिपरेशन करते थे. बट जोनाथन को इससे मतलब नहीं था. जोनाथन लव्स टू फ्लाई, लाइक्स टू फ्लाई. ओके, एंड ट्राई टू फ्लाई. ओके, इफ यू मस्ट स्टडी देन स्टडी फूड. अगर तुमको स्टडी करनी है, स्टडी करना चाहते हो तो फूड की स्टडी करो. एंड हाउ टू गेट इट, कि उसको कैसे हम प्राप्त करते हैं. दिस फ्लाइंग बिजनेस इज ऑल वेरी वेल, बट यू कांट ईट अ ग्लाइड, यू नो. ओके, लेकिन तुम क्या करते हो, सिर्फ फ्लाइंग करते हो, यानी कि फूड कलेक्ट नहीं करते हो और उसको खा भी नहीं सकते, खाते भी नहीं हो, यू नो. डोंट यू फॉरगेट, यानी कि ये मत भूलना दैट द रीजन यू फ्लाई इज टू ईट, कि तुम्हारा रीजन जो है उड़ने का कारण क्या है, क्यों उड़ते हैं, सिर्फ भोजन की तलाश में, सर्च फॉर फूड. ओके, इट मीन्स जोनाथन फादर सेड टू जोनाथन, योर पर्पज ऑफ फ्लाइंग, ओके, योर पर्पज शुड बी टू फ्लाई ओनली कलेक्टिंग फूड. केवल जो है वो क्या होना चाहिए और क्या है फ्लाइंग का जो पर्पज है, रीजन, वो है फूड को कलेक्ट करना. यानी कि जो वर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, अपने जो उनका लिविंग प्लेस होता है वहाँ से दूसरी जगह, तो भोजन की तलाश में जाते हैं. ओके, जोनाथन नोडेड ओविडेंटली, उसने बड़ी आज्ञाकारी तरीके से जो अपना सिर हिलाया. एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए, ट्राई टू बिहेव लाइक द अदर गुल्स, जो और भी सी गुल्स थे उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया. ही रियली ट्राइड, बट वो थक गया. स्क्रीचिंग एंड फाइटिंग विद द फ्लॉक अराउंड द पियर्स एंड फिशिंग बोट्स, डाइविंग ऑन स्क्रैप्स ऑफ फिश एंड ब्रेड, बट ही कुड नॉट मेक इट वर्क. लेकिन वो लंबे समय तक ये वर्क नहीं कर पाया. वही कि ये बोट्स आती थी, वो जो है बोट आकर के जो भी है इसको स्प्रेड करते थे, जो भी उनका जो फूड होता था, भोजन था, उसके लिए वो फाइटिंग करते थे और उसको लेकर के भाग जाते थे ये करते करते. बट वो इट मींस ही कुड नॉट मेक इट वर्क, लेकिन वो इसको नहीं कर सका था. नेक्स्ट, इट्स आल्सो पॉइंटलेस, ही थॉट, उसने सोचा, मतलब उसके लिए पॉइंटलेस था, उसने सोचा, डेलिबरेटली ड्रॉपिंग अ हार्ड वॉन एंग कॉबी टू आ हंग्री. इट मीन्स जो स्मॉल फिश होती हैं उनके बारे में, गुल चेसिंग हिम, यानी कि जो भूखे, जो भी जो गुल होती हैं, सी गुल, वो उनको चेसिंग, मतलब इनको उनको ले लेते हैं. आई कुड वी स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम लर्निंग टू फ्लाई,
यानी कि वो अपना टाइम जो है वो फ्लाई यानी कि उड़ने के लिए अपना टाइम जो है स्पेंड करना चाहता था. तो आई कुड बी स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम लर्निंग टू फ्लाई, देयर सो मच टू लर्न, यानी कि उससे बहुत सीखा उसने. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर जोनाथन गुल वॉज ऑफ बाई हिमसेल्फ अगेन फॉर आउट एट सी हंग्री हैप्पी लर्निंग. ओके, भूखा खुश लेकिन क्या करता रहा, सीखता रहा. द सब्जेक्ट वॉज स्पीड एंड इन अ वीक्स प्रैक्टिस ही लर्न मोर अबाउट स्पीड देन फास्टेस्ट सी गुल अलाइव, यानी कि जितने भी ग्रुप में सी गुल थे सबसे तेज जो है अब वो फ्लाई कर सकता था, उड़ सकता था प्रैक्टिस करते करते. ओके, फ्रॉम 1,000 feet फ्लैपिंग हिज विंग्स एज हार्ड एज ही कुड ही पुश्ड ओवर इन टू ब्लेजिंग स्टीप डाइव टुवर्ड द वेव्स एंड लर्न Why seagulls don't make blazing steep power dives? Okay, यानी कि from 1,000 feet, यानी कि हजारों feet से flapping his wings, उसकी जो wings थे, जो उसके पंख थे, वो flap करते थे. Okay. Okay, it means from 1,000 feet flapping his wings, इनके उसके पंख जो है फड़फड़ाते थे. एज ही कुड जितना वो कर सका था, ही पुश्ड ओवर इन टू ब्लेजिंग स्टीप डाइव टूवर्ड्स द वेव्स, और वेव्स में जाकर के डाइव करता था काफी स्पीड के साथ. एंड लर्न वाई सीगुल डोंट मेक ब्लेजिंग स्टीप पावर डाइव्स, यानी उस गति से और बाकी कोई भी सीगुल थे वो नहीं कर सकते थे. इन जस्ट 6 seconds, यानी कि सिर्फ 6 seconds में ही वॉज मूविंग 70 miles पर आवर द स्पीड एट विच वंस विंग गोज अनस्टेबल ऑन द अपस्ट्रोक, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी थी प्रैक्टिस के साथ साथ काफ़ी बढ़ गई थी. इट मीन्स वो डिफरेंट था और बाकी सीगुल के कंपेरिजन में जो उसके फ्लॉक में थे जो भी है उनसे डिफरेंट वर्क करता था. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है. ओके, टाइम आफ्टर टाइम इट हैपेंड, यानी कि समय और समय के बाद, यानी कॉन्टीन्यूसली ये सारी चीज़ें जो है चलती रही. केयरफुल एज ही वॉज वर्किंग एट द वेरी पीक ऑफ His ability, और उसकी जो योग्यता थी अब ये कहाँ पर पहुंच गई थी, चोटी पर. He lost control at high speed, और उसने high speed पर control खो दिया. Climb to 1,000 feet, यानी कि he lost control at a high speed. Climb to 1,000 feet, full power straight ahead first, then push over flapping to a vertical dive. उसने मतलब यानी कि vertical dive, then every time his left wing stalled on an upstroke, he had rolled violently left shell his right wing recovering and flick like fire into wild tumbling spin to the right. Okay, means His left wing stalled on an upstroke. यानी कि अपस्ट्रोक जो है ऊपर की मतलब जो है फिर धीरे धीरे ही had roll violently left, यानी कि violently वो left जो है roll होने लगा. And stall his right wing recovering, और उसने जल्दी ही अपने जो right wing है उनको recover किया. And flick like fire, और आग की तरह जो है into a wild tumbling spin to the right. It means मतलब इस तरह की activity जो है, क्योंकि धीरे धीरे practice से काफ़ी मतलब जो है उसमें अपने आप को उसने डे बाई डे इम्प्रूव किया था और बहुत सारी जो है डिफरेंट एक्टिविटी जो है करने लगा था. ओके, नेक्स्ट ही कुडंट बी केयरफुल इनफ ऑन दैट अप स्ट्रोक. लेकिन इस स्ट्रोक के लिए जो स्ट्रोक जो अपने आप में चेंजेस करता था, टर्न हो जाता था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था, लो इसके लिए जो है वो केयरफुल नहीं था, इनफ केयरफुल नहीं था. 10 times he tried, उसने कई बार जो है कोशिश की. एंड ऑल 10 times he passed through 70 miles पर और, हर बार जो है वो 70 miles पर और जो है वो आगे बढ़. He burst into churning mass feathers. Okay, it means he burst into churning mass of feathers, जो अपने पंखों के साथ वो जो ट्विस्ट किया करता था, जो करता था वो चीज क्या हुई, वर्स्ट. ओके, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, क्रैशिंग डाउन इनटू द वाटर, और जाकर के कहाँ गिरता है, पानी में. द की ही थॉट एट लास्ट, और उसने लास्ट में सोचा, ड्रिपिंग वेट
मस्ट वी टू होल्ड द विंग्स स्टिल एट हाई स्पीड्स, अगर हमें हवा में काफ़ी ऊंचाई पर जाना है, टू फ्लैप अप 50 एंड देन होल्ड विंग्स स्टिल, मतलब वहाँ पर हमें अपने पंखों को रोकना है. ओके, इट मीन्स अभी भी वो हारा नहीं, मतलब हारा नहीं यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो उसको फ्लाइंग एंड फ्लाइंग पसंद थी, तो उसमें वो धीरे धीरे उसको सीखता और ऊंचाई पर जाना चाहता है, उससे और ऊंचाई पर जाना चाहता है. फ्रॉम 2000 feet ही ट्राइड अगेन, उसने जो है 2000 feet से फिर से उसने स्टार्ट किया, मतलब फिर से कोशिश की एंड रोलिंग इनटू हिज डाइव, बीक स्ट्रेट डाउन विंग्स फुल आउट एंड स्टेबल फ्रॉम मोमेंट ही पास्ड 50 miles per hour, यानी कि अब वो 50 miles per hour जो है ऊंचाई पर जाने लगा था. इट टुक ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ, और ये उसका जो है एक ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ था, मजबूती थी, बट इट वर्क्ड, लेकिन उसने किया. इन 10 seconds ही हैड ब्लड 90 miles per hour. अब धीरे से 50 से ओके 90 miles जो है पर और जो है अब जाने लगा था. जोनाथन हैड सेट वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड फॉर सीगुल, यानी कि जितनी भी सीगुल्स हैं वर्ल्ड में उनके बीच में रिकॉर्ड. तो इट मींस है ना कि अगर आप कुछ हाईएस्ट पॉइंट पर पाना चाहते हैं, यानी कि रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में भी आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको वेस्ट करना होगा और कॉन्टिन्यूसली जो है उसको करता रहना पड़ेगा. ओके, तो यस स्टूडेंट्स, सो नाउ यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th and 6th. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज जोनाथन्स मदर वरीड, यानी कि उसकी माँ जो है उसको चिंता क्यों होती थी. बिकॉज ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर गुल्स, जो दूसरे गुल्स थे, सी गुल्स थे, उनसे वो डिफरेंट था, इसलिए वो चिंता करती थी. विच थ्री वर्ड्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब जोनाथन, कौन से शब्द हैं उसके लिए जिनके थ्रू आप उसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो फर्स्ट, ब्रेव, परसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड. ओके, हाउ डिड जोनाथन ट्राई टू बिहेव लाइक अदर सी गुल्स. ओके, यानी कि कैसे उसने एक बार ट्राई भी किया कि दूसरे सी गुल की तरह वो बन सके, तो कैसे. तो ही स्क्वीज्ड एंड फॉट ओवर वेट्स ऑफ फूड एंड डाइव्ड इन सर्च ऑफ स्क्रैप्स ऑफ ब्रेड एंड फिश लाइक देम. ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन जोनाथन हेल्ड हिज विंग्स स्टिल एट अ हाई स्पीड, यानी कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब वो बहुत हाई स्पीड पर पहुंच गया. तो वेन जोनाथन हेल्ड हिज विंग्स, उसने अपनी विंग्स को जो है हेल्ड कर लिया था हाई स्पीड पर, तो क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड जोनाथन. ओके, आप बॉल्स नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है, यहाँ पर लिखेंगे वॉज. ओके ओके, जोनाथन वॉज एबल टू फ्लाई इनक्रेडिबली फास्ट. ओके, जोनाथन वॉज एबल टू फ्लाई incredibly fast. Okay, what happened when Jonathan held his wings still at a high speed? Okay, so answer is Jonathan was able to fly. अब वो जो है incredibly fly करने के जो है योग था, तभी तो उसने अपनी high speed पर जाकर अपने wings को held कर लिया था ना. Yes, so what happened, क्या हुआ, यानी कि वो अब योग हो गया था, यही घटित हुआ था. Okay, so okay, so good, we will write question and answer. Okay, ये आप यहाँ पर वॉल्स नहीं है, वॉज है, ऐसा है ना, जब मैं इसको डिक्टेट करके टाइप करती हूँ ना, तो यहाँ पर वॉल्स ले लिया, वॉज है. ओके, WAS, बाकी ऐसे ही लिखना. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, हैव अ नाइस डे.